एक वीडियो बना रहा हूँ, तो बड़ा इम्पोर्ट इश्यू है और वो टीचिंग का किरदार क्या है, टीचर क्या होता है, ये सब स्टूडेंट के जहन में जो सवाल होते हैं। तो आज मेरे पास बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, इधर आप तारों कराइए, फिर इनके अलग अलग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं मेरे यहाँ। शाहरुख के बाद हम चलते हैं कि इनके जहनों में, दूसरे के जहनों में, स्टूडेंट में सवाल आ जाए, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहती है टीचर? सर, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में, और तो कौमी जबान से आपने दिल में ये रखा कि भाई आपने लिखा लैंग्वेज को कभी बैरियर नहीं बनाया। हमारे जो एचओडी है डॉक्टर कमाल हैदर सर, वो हमारी बलोचरी यूनिवर्सिटी में आए, मेरे सुपरवाइजर भी रहे, अच्छे इंसान है, अपने मुखलिस हैं, बातचीत बहुत अच्छी है उनकी और उन भी लेना चाहते हैं। तो उन्होंने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी जो वो गए थे, उन्होंने एक चीज रखी थी सामने कि भाई लैंग्वेज को बैरियर नहीं होगा, क्योंकि एक आध टीचर में ऐसे थे कि सर हमारे सामने तो उर्दू आता था, कार्ड जीरो देते, वो इंग्लिश टोटली भी इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे को इंग्लिश आप लास्ट में जब बोले जब सारे समझने वाले बात, अगर बच्चे कमजोर है तो उनको अपनी जुबान में आना चाहिए, आपको लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना। अगर आप लैंग्वेज को बैरियर बनाते, सबसे पहला काम ये है कि इंग्लिश में बोले तो उर्दू में भी समझाए, तो ये लैंग्वेज को बैरियर बनाने से बहुत से रुकावटें आती हैं। मेरे ख्याल से टीचर को इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है, मॉरल एटीट्यूड स्टूडेंट्स के करीब मसाइल बात टीचर इतने ज्यादा सवाल है कि किसी टीचर का क्या रोल होना चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में कैसा रोल हो ताकि स्टूडेंट उससे इंस्पायर हो सके। देखिए, पहली चीज तो टीचर का जो रोल है जो है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, जैसे मैंने इनको यही सवाल तकरीबन ऐसे था, और टीचर का जो एक मॉडल होना चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर मॉडल होता है जिंदगी भर टीचर को नहीं भूलता नहीं, खासतौर पर स्कूल के टीचर जो है ना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, उनका उठना बैठना बातचीत वाकया सब आपको याद होते हैं स्कूल में, बाकी यूनिवर्सिटी में भी अच्छे टीचर होते हैं कॉलेज में, लेकिन याद कम रह जाते हैं, उनमें से दो चार अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे से बना दिए क्योंकि माहौल चेंज हो जाता है स्कूल के टीचर में बैठे, तो स्कूल की बेसिक, क्योंकि आपने कहा था स्कूल टीचिंग में ज्यादा टीचिंग में ज्यादा जाने का कहना था, कॉलेज में भी जा सकते, लेकिन तकरीबन ख्वाहिश टीचर की ये होनी चाहिए कि मैं स्टूडेंट को वो नॉलेज दूँ जो उनको समझ आए, और पहली बात है लैंग्वेज को बैरियर नहीं बनाना। टीचर की देखिए, एक टीचर जो होता ना वो एक मॉडल होता है, स्टूडेंट के सामने टीचर होता है, टीचर के सामने स्टूडेंट तो हजारों, मैं हजारों स्टूडेंट है, मैंने कोई याद नाम भी याद नहीं, मैंने दिलाम बात की कहाँ कहाँ के कहाँ कितने लोग, लेकिन एक टीचर को जो उसका जो उसकी जो शख्सियत है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें एतमाद होना चाहिए, अगर टीचर में एतमाद नहीं है ना तो फिर स्टूडेंट जो है ना दूसरी तरफ ले जाते हैं स्टूडेंट, अगर आपकी नेगेटिविटी किसी स्टूडेंट को पता लगे कि सर में इस चीज में कंप्यूटर लिए कोई सवाल ऐसा आ गया, फिर और सवाल भी स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट सवालों पर तैयार करके लाते टीचर को परेशान करने के लिए, हमारे यहाँ होता है बच्चे, क्योंकि आजकल के बच्चे टीचर को उसके लिए तैयार रहा, तो जब तक परफेक्ट पहले सब्जेक्ट को देख ले अच्छी तरह क्लास में जाए तो फुली परफेक्ट, और सबसे बड़ा किरदार उसका ये उसकी शख्सियत का पहले, दूसरी चीज़ ये उसने अखलाक रूट नहीं होना चाहिए, मैंने मैक्सिमम टीचर देखे तो रूट है, ज़्यादा जो है मकरूरियत कह सकते हैं, उनका अंदाज ऐसा है स्टूडेंट्स को या पसंद नहीं करता, या बात मिल भी जाए तो बात, मैं मुझे बड़ा फील होता था, मैं स्टूडेंट को टीचर को सलाम करता था, बात टीचर सलाम का जवाब नहीं है सीधा नहीं करते ना टीचर, या हूँ कर दिया तो बड़ा फील होता, या हाथ मिला दिया हल्का सा, आधा हाथ मिलाने वाला, आधा हाथ मिलाने वाला तो मैं तो मकरूर होता, पसंद नहीं किया गया आधा हाथ मिलाने वाला, पता है आपको हाथ पूरा मिलाया जाता ताकि आपकी मकरूरियत से जाहिर ना हो, ये टीचर के औसाफ है, सबसे बड़ा सच्चाई होना चाहिए, जो बात कर रहा हूँ पता भी लगे कि हाँ भाई सच्ची है, अपनी तरफ से मनगढ़ नहीं होगी भाई, हाँ आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उसको, है ना। तो मैं ये कहूँगा कि गर्ल्स के मुकाबले में बॉयज बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने, आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सारी गर्ल्स पढ़ ली, मैं तो कहता हूँ आने वाले दिन में ऐसा ना हो कि गर्ल्स ही सारे संभाल लें और बॉयज गर्ल पढ़ जाए, बच्चों को संभाल लें ये खाने वाने बनाए कुछ ऐसा नहीं, एक टीचर को ये सारी चीज़ें जानना।
आते बच्चों कुछ बोल देते हैं, वो बोलते हैं मुझे यही करना है और आपको ये करना पड़ेगा हर सुबह। देखिए बड़ा जबरदस्त आपने सवाल किया। मेरी जो सोच है बिल्कुल ये होना चाहिए कि टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि चर्चा मैंने बाहर देखा तो जो चीज़ मैंने बाहर देखी कि प्रोफेसर की वहाँ का बिहेवियर जो है टीचर का वो दूसरे तरीके का, अच्छा स्टूडेंट भी वैसे वह स्टूडेंट जो है ना वो टीचर में वो नहीं है, यानी कि फॉर्मल वो नहीं है, इनफॉर्मल में भी आपसे सवाल करो वो इल्म देते हैं, रास्ते में जाएगा ओके ओके वेट जस्ट वेट कम टू माय रूम, वो ये हाँ आपसे बात करते हैं, वो आपसे बातें टीचर प्रोफेसर बहुत से ऐसे लोग होते हैं किसी खास करके बातें नहीं करना चाहते बाहर सवाल ही आज क्लास में ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बच्चे जो है डरे हो स्कूलों में, ये वही टीचर करेगा जिसके और नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चे आके पूछना ना शुरू कर देंगे, पूछेंगे तो जवाब ही नहीं होगा, तो पहले से वो इस तरह इन्वायरमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट टीचर ये नहीं है कि वो टीचर बुरे होते हैं, उनका स्टाइल ऐसा होता है, लेकिन जो हमारी आज की रिक्वायरमेंट है उसमें ये अगर आप बच्चों से थोड़ा फ्लेक्सिबल बच्चों को एतमाद देंगे तो आपसे सवाल पूछेगा, आपका काम नॉलेज देना है, आप अंदर से बच्चे की निकालेंगे नॉलेज या पूछते तो उसके जहन में कंफ्यूजन है जब ही निकालेंगे जब आप थोड़े करीब होंगे, करीब तो बड़ा ये नहीं कि आप जाकर उसके साथ बोले कि चले यार कैंटीन में चाय पीजिए, ऐसा नहीं है, थोड़ा तो डिफरेंस रखें, लेकिन क्या है ये चीज़ें आपके लिए बहुत मेरे ख्याल से इससे बेहतर रेपुटेशन देखिए मैं तो यही कहूँगा कि टीचिंग से बेहतर कोई प्रोफेशन है ही नहीं, जितने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं वो सिर्फ टीचर ही बनाते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर साइंटिस्ट ये कौन बनाता है, टीचर बनाता है, टीचर का स्कोप टीचिंग का स्कोप बहुत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने टीचिंग को गलत हाथों में किया, उन लोगों को दिया जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो कि टीचिंग से रिलेट नहीं करते जबरदस्ती आ गए, कहीं जॉब नहीं होने वाला चलो टीचिंग कर लें तो वो जबरदस्ती आने वाले उस तरह डिलीवर करें, लेकिन टीचर का जो मेन जो होता है जो अपना एम बना के आएगा ना उससे शौक हो। आपने देखा बचपन में बहुत से बच्चे, खुद मैं अपने घर की मिसाल दूँ, मेरी भतीजी छोटी उसे बड़ा शौक था जब छोटी थी, वो क्या करती थी वो क्लास खुद ब खुद लिखा आ बच्चा ये आपका काम है, किसी छोटे बहन भाई को बैठा लिया हाँ देखिए आज का काम है आज का, उसको शौक क्या मोटिवेट हुई वो अपने टीचर्स को देख के शौक पैदा, वो अभी तो खैर वो पढ़ ली है आगे जाके क्या बनती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि टीचिंग जो है नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल वही होगा जो कुदरती तौर पर टीचर बनाए बहुत मुश्किल से जाते हैं ना, बनाए होना चाहिए, बनावे नहीं कह रहा अल्लाह की तरफ से होता है वो बड़े फायदे में रहते, लेकिन बन भी जाते हैं अगर मेहनत करें कोई चीज़ नामुमकिन कोई, टीचिंग का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, दुनिया भर में टीचर को कितना अपग्रेड किया जाता है, लेकिन हमारे क्योंकि टीचर जो है वो स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते, स्कूलों में तो बहुत ही बुरी हालत है आपको पता ही, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग है क्योंकि वह ऑब्जर्वेशन है, वो तो हफ्ते को भी बुला लेते हैं सैटरडे को बुला लेते हैं, तनख्वाह भी काटते हैं परेशान भी करते हैं, टीचिंग तो बहरहाल है वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को पहले टीचिंग को आपने ऐसे बनाना चाहिए कि बेनिफिट भी मिले और मेंटली फ्रेशर ना हो, लेकिन ये टीचिंग का स्कोप जहाँ तक आपने बात की है टीचर से बेहतर मेरी नज़र में कोई, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद टीचर हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये नबियों का काम, लेकिन बशर्त है कि हम नबियों को इस काम को फोकस सामने रखते हुए कहते हैं। मालिम बनाकर भेजा गया है, तो मेरा सवाल यह है कि आजकल हमारे जो टीचर है क्या वो उस तरीके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पढ़ाते थे या सब तरह का अपने शागिर्दों और स्टूडेंट के साथ जो रवैया होता था उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है? देखिए आजकल जो एटमोसफेयर है ना, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं, यानी पासदारी कर रहे हैं, ये समझें हम जो अमल दिखा रहे हैं वो हमारे उससे रिलेट नहीं कर रहा जो कि होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल सबसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं, वो हमारे लिए कि वो उनका फरमान है कि मैं रहमत यानी वो रहमत बना के भेजे गए मुसलमानी दूसरे कौम के लोग भी, आपको पता है कायद अजम मोहम्मद अदीना का हिस्सा बता रहे कि वो जब दाखिला लेने गए एडमिशन लेने गए इंग्लैंड में तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो लिस्ट लगी थी उनमें दुनिया के बेहतरीन इंसानों का जिक्र था, तो उसमें आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र, उन्होंने बोला ये यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लिया,
तो ऐसे बहुत से वाकयात हुए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उनकी शान आप बयान ही नहीं कर सकते, आपने आपके पास अल्फाज ही लिए तो आप बयान कर सकते, लेकिन उसका किरदार जो दूसरे का होना चाहिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अब आप क्या स्कूलों में टीचिंग क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों से पैसे ले रहे, पास फेल करवा रहे, कॉपीज निकलवा के करवाते हैं हमारे, अभी तो बहुत बेहतर हो गया, एक जमाने में तो कॉपीज भी बाहर और बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे बच्चे मेडिकल में जाके पहुंच गए 80-80% जो कि मेरे ख्याल से मैट्रिक की भी नॉलेज नहीं थी, अब वो डॉक्टर जब इंजीनियर, अच्छा फिर वहाँ टेस्ट में भी पैसे जो भी मामला था अलग, अभी तो अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन जब वो आगे चले गए तो फिर वो होगा क्या, हुआ अगर वो डॉक्टर बन गए तो क्या वो अपने प्रोफेशन इंसाफ कर सके, क्या इंजीनियर बन गए तो क्या ब्रिजेस वगैरह नहीं गिरेंगे, ये सारे चीज़ें हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए, वो जो अगर इंटीग्रिटी हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम वो चीज़ पाओ, फिर हमारा अखलाक कहाँ से, उसने अखलाक सुधर, उसने अखलाक जो थे ना वो कहते हैं जिसका उसने अखलाक अच्छा नहीं वो हमारी उम्र में ध्यान, कितने टीचर्स तो आपको देखेंगे अच्छा अखलाक मिलेगा, आजकल मैं देख रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ कि टीचर्स में बहुत अखलाक की कमी नजर आ रही है, और जो बाखलाक लोग हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत करीब हो गए, क्या बच्चों को ये जाहिर रहा हो कि उसमें मतलब वो पसंद नहीं कर रहा बात करना उससे या उसके सलाम का जवाब नहीं देना, ये आदत सिलसिले में हमें उसूल सिखाया, तो मेरे ख्याल से दयानतदारी अब स्कूलों में या और दूसरी जगह बच्चों को आपने जो है मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मेरा अपना पर्सनल तो मेरा पर्सनल तरीका ये था कि बच्चों को, और मेरा अपना ये ख्याल है कि अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट से खाते पीते, टीचर अगर स्टूडेंट से खाता पीता है ना आप, लेकिन मैं तो उसको ये रखता हूँ, लेकिन मुझे ये भी लगा कि स्टूडेंट का दिल आजारी होगी, कभी कभी कोई बना के ले आए कोई सुनना, तो टीचर देखिए पहली बात तो ये है कि एक टीचर जो होता है ना, टीचर का जो मेन मकसद होता है वो इल्म को फैलाना, इल्म को ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, इल्म का फैलाना टीचर को समझाना है, क्योंकि टीचर एक रिसोर्स पर्सन है, अगर टीचर रिसोर्स पर्सन है तो उसके बाद वो सोर्सिंग भी होना चाहिए कि वो डिलीवर कर सके स्टूडेंट्स, यही वजह है कि मैंने स्टूडेंट को मैं ऐसे टीचिंग करता हूँ, उसमें स्टूडेंट को इस अंदाज में डिलीवर किया जाए कि वो उनको बुरा भी ना लगे और बड़ा दूषित बना के, मेरे सब्जेक्ट की नोयत आती है कि हर टीचर की सब्जेक्ट की नेचर मुख्तलिफ होती है और सब्जेक्ट की नोयत पर डिपेंड करती है, लेकिन टीचिंग का स्टाइल तकरीबन एक ही होता है, और मेरा स्टाइल जो इस तरह का, तो मेन मकसद क्या है ट्रांसफर और नॉलेज, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसके बाद उसका मोटिवेशन स्टाइल, मोटिवेशन और स्टाइल, अगर वो मोटिवेट स्टूडेंट को नहीं करेगा ना तो उसको क्या पढ़ाना है स्टूडेंट को आखिर तक समझ नहीं आएगा, सबसे पहले क्लास में जाकर उसको। फौजी रोजाद ये हमारी वीडियो थी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है, ये जो स्टूडेंट है ये बड़े क्लीन स्टूडेंट है इस यूनिवर्सिटी के, और मैंने इनकी जो मैंने एबिलिटी देखी स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने इनको पर्सनली देखा और ये वीडियो बनाते मुझे अच्छा लगा, इनके जहन में जो ख्याल आते हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं वो मैंने मुझसे पूछा, मैंने कोशिश करी है इनको सेटिस्फाई करने का, और एक टीचर का जो रोल होता है मॉडल होता है, और टीचर में पैसे की तरफ कभी ना जाए, जो टीचर पैसे की तरफ जाएगा वो टीचिंग नहीं कर सकता, टीचर अगर सही टीचर होगा ना तो उसके बाद मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से होगी, मोटरसाइकिल तो ले लेगा चल ले, गाड़ी तो शायद मुश्किल से ले, बड़ी मुश्किल से रिश्तों पे कार ले ले वाला बात, या उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस उसके बाद नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत सिम में पैसे के लिए जा रहे हैं तो फिर वो आपका फेल है, तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सुन्नत अदा नहीं कर रहे, जो मौलवी का जो किरदार है, मेरे ख्याल से ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगी, और देखें इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये और जितने लोगों के पास जाएगी इतने मुमकिन, बहुत शुक्रिया।